हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करंट न्यूज फॉर 4/5/2021। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है, मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है एंड आई हैव क्वालिफाइड सीएससी इंटरव्यू इन 2015, 2017 and 2018। लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रेप हु कैन गाइड यू इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Let's start with the assembly election 2021. आप सभी को पता होगा कि 2021 assembly election 4 states और 1 UT में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि as such results are not important from UPSC point of view, but what is important is the pattern of the contestants. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह के कंटेस्टेंट्स इस बार असेंबली इलेक्शंस में इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद तमिलनाडु। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं एज प्रोफाइल, किस तरह के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा था। 25 to 40, 41 to 56, 56 to 70, over 17, दिस इज द एज ग्रुप। ठीक है, अब 25 टू 40 में आप देख सकते हैं 2016 जो है ब्लू बार से आप देख सकते हैं और रेड बार से 2021, तो आप देख सकते हैं कि जो यंग पीपल हैं 25 से 50 हैं वो अभी कम हुए हैं इस इलेक्शन में। ठीक है, जबकि ओवर 70 वाले बड़े हैं। ठीक है, मतलब इस बार यंगर पॉपुलेशन ने कम पार्टिसिपेट किया है एज अ कंटेस्टेंट और ओल्डर पॉपुलेशन ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जेंडर प्रोफाइल, कि वुमेन और मेन के बीच में क्या रेशियो है। जो विमेन है उनको हमने ब्लू से दिखा रखा है, जो रेड है वो है मेल दोस्तों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2016 में मेल्स जो थे 91% थे, जबकि इस बार 2021 में दे हैव इंक्रीज टू 95। दैट मींस द वुमेन कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेशन हैव गॉन डाउन, व्हिच इज अ बैड थिंग। ओके, देन एजुकेशन प्रोफाइल, हम लोग हमेशा एजुकेशन प्रोफाइल की बात करते हैं कि किस तरह के हमारे नेता होने चाहिए, कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, तो उसी के सेंस में ये सर्वे किया गया है। अप टू हायर सेकेंडरी, देखिए आप अप टू हायर सेकेंडरी जो है 41% था 2016 में, अब है 2021 में कम। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी कम हुआ है। ग्रेजुएट्स पढ़े, ग्रेजुएट्स तो बढ़ गए हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट्स कम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी एज प्रोफाइल है और जेंडर प्रोफाइल है। आपको याद रखना होगा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। एक और एग्जाम्पल, दो और एग्जाम्पल हम देखेंगे वेस्ट बंगाल का। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं एज प्रोफाइल जो है आपका 25 से 40, 41 से 55, 56 to 70, over 70। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, यंगर पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ा है। दिस इज नोटेबल, 11% से ये 14% हो गया। ठीक है दोस्तों, जेंडर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है, दिस हैज रिमेन्ड सेम। 14% जो थे आपके फीमेल्स थे 2016 में और 86% आपके मेल्स थे, वही चीज अभी भी यहां पर है 2021 में, सेम रेशियो मेंटेन किया गया है। ठीक है, एजुकेशन प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एजुकेशन प्रोफाइल में ग्रेजुएट्स भी कम हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी कम हुए हैं, दोनों ही कम हो गए। केरला तमिलनाडु में क्या हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट्स तो कम हुए थे लेकिन ग्रेजुएट्स बढ़े थे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि दोनों ही चीजें कम हुई। ठीक है, इसी तरीके से केरला का भी आप देख सकते हैं एज प्रोफाइल में, एज प्रोफाइल में यंगर पॉपुलेशन जो है कम हुई है और जेंडर में भी अगर हम बात करें तो मेल्स का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ा है। ठीक है, एजुकेशन प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फिर से हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ तमिलनाडु जैसा ही इसका पैटर्न है कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है आपका कम हुए हैं जबकि ग्रेजुएट्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं, ये इंक्रीज हुआ है और ये डिक्रीज हुआ है। ठीक, तो मोटा मोटा आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में जेंडर प्रोफाइल में मेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वुमेन्स का कम हुआ है,
वेस्ट बंगाल में मेल और फीमेल का रेशियो सेम मेंटेन हुआ है और केरला में भी, केरला में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक 2019 इलेक्शन फैक्ट शीट पे क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 का, हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 43% ऑफ 2019 लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू एडीआर एंड इंक्रीज ऑफ 2014 पोल रिजल्ट। हम हमेशा डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं कि पोलिंग हमारी ऐसे कंटेस्टेंट्स होने चाहिए जिसको हम वोट दे सके जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, लेकिन असलियत क्या है हमारी, 43% जो लोकसभा एमपीज हैं उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और जो कि इंक्रीज है 2014 से। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन सेकंड ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, देयर आर 78 वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस इन 2019 लोकसभा पोल्स। मतलब 2019 लोकसभा पोल्स में सबसे ज्यादा वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो कि 78 है। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू और बहुत अच्छी बात है कि हमारा कंट्री एक जेंडर इक्वालिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एनीवेज द आंसर इज ए एंड बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। दिस न्यूज इज बिकॉज इन म्यांमार, आपको पता होगा म्यांमार बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर। ठीक है, वहां पर वहां के लोग जो है इंडिया में भी क्रॉस ओवर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडियंस कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो म्यांमार रिफ्यूजीज को हमको वापस भेज देना चाहिए इनके। ठीक है, लेकिन देर आर सम इंटरनेशनल लॉज जिसके थ्रू हमारे हाथ पर बंधे हुए, ओके, और मॉरल ग्राउंड पे भी हम उनको वापस नहीं भेज सकते। तो इस ये न्यूज जो है ये उसी के बारे में है कि द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर हैज अलाउड 7 म्यांमार नेशनल्स हु हैव एंटर्ड इंडिया सीक्रेटली following the February military coup to travel to New Delhi to seek protection from the United Nations High Commissioner for Refugees. मतलब 7 ऐसे लोग जो म्यांमार से इंडिया में आ गए थे उनके बारे में डिसीजन किया गया है कि वो जाकर के ह्यूमन नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के आगे जाकर के अपना पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें दोस्तों, इसमें है इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है क्योंकि आजकल रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। आपको पता है सबको सीरियन क्राइसिस, ठीक है, सभी को पता है अरब स्प्रिंग और म्यांमार क्राइसिस तो खैर सबको पता ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अंडर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। सबसे पहले ये 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर्स इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब कोई लॉ है जिससे कोई भी बॉडी जो होती है वो किसी लॉ से बाइंड होती है, कोई लॉ को फॉलो कर रही थी, ये भी किसी को फॉलो कर रही है दोस्तों। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन ये इसके पीछे का लॉ है जिसको ये फॉलो कर। ठीक है, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन इज द मेन लीगल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द यूएनएचसीआर। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या बताता है, ठीक है, इट डिफाइंस, इसमें दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो पहला है रिफ्यूजी, व्हाट इज अ रिफ्यूजी, एंड इट एस्टैब्लिशेस द राइट्स ऑफ सच पर्संस एंड आल्सो ऑफ दोस हु आर ग्रांटेड असाइलम। मतलब क्या रिफ्यूजी होते हैं, क्या असाइलम होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या एक रिफ्यूजी और क्या एक असाइलम सीकर के राइट्स होंगे, ये 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशंस में लिखा हुआ। ठीक है, एक प्रिंसिपल उसी में 1951 में है, नॉन रिफोलमेंट का प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्लीज आप रिमेंबर करिएगा। नॉन रिफोलमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट फॉरबिड्स अ कंट्री रिसीविंग असाइलम सीकर्स फ्रॉम रिटर्निंग देम टू अ कंट्री इन विच दे वुड बी इन लाइकली डेंजर। सिंपल भाषा में क्या मतलब है इसका, कि कोई भी कंट्री अगर किसी को असाइलम देती है तो वो वापिस उस असाइलम सीकर को उस कंट्री में नहीं भेज सकता जहां उसकी जान को खतरा है। ठीक है,
अगर रेस, रिलीजियन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऐसे पर्सन के साथ और किसी कंट्री ने उन्हें असाइलम दे रखा है, तो वो कंट्रीज वापस उनको उस उनकी नेटिव कंट्रीज में नहीं भेज सकते जहां पर उन पे जुल्म हो रहा है। ठीक है, मजेदार बात यह है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, फिलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने इस कन्वेंशन को कभी साइन नहीं किया, मतलब इंडिया इज नॉट बाउंड बाय दिस इंटरनेशनल लॉ। 1951 के बाद 1967 में एक प्रोटोकॉल बना था जो कि इसका एक्सटेंशन था, 1951 के एक्सटेंशन को हम 1967 प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1967 प्रोटोकॉल, जैसे 1951 को साइन नहीं किया इंडिया ने कभी, उसी तरह से 1967 को दोस्तों कभी भी इंडिया ने साइन नहीं किया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया था। इस पे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है जो कि आपको और ज्यादा समझने में आसानी कर देगा दोस्तों। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला ऑप्शन इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। अभी एक स्लाइड पहले मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इंडिया ने कभी भी इस लॉ को साइन नहीं किया, तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर टू, द 1951 कन्वेंशन ऑल्सो डिफाइंस दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर असाइलम स्टेटस सच एज वॉर क्रिमिनल्स। मैंने एक स्लाइड पहले आपको बताया था कि 1951 कन्वेंशन जो है आपको असाइलम सीकर्स के बारे में बताता है, रिफ्यूजीज की डेफिनेशन बताता है, ये भी बताता है कि कौन लोग एलिजिबल नहीं है असाइलम सीक करने के, जैसे वॉर क्रिमिनल्स। ठीक है, जैसे मान लो वॉर हुआ और आपस में लड़ाई हुई, तो जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उनको असाइलम सीक करने का हक बिल्कुल नहीं। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, बी। आशा करता हूं आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आ रहा होगा, इजी भाषा में भी समझाऊंगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, ज़ूनोटिक डिजीज। ज़ूनोटिक डिजीज, सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है फिगर के थ्रू, पहले डेफिनेशन देखते हैं। WHO in 1959 defined that zoonoses वो डिजीज और इन्फेक्शन होते हैं जो कि नेचुरली ट्रांसमिट होते हैं एनिमल्स और मैन के बीच में। WHO 1959 बताया कि कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स और मैन के बीच में होगी उसको हम ज़ूनोटिक बोलते हैं। आप नाम से भी देख सकते हैं, ज़ू, ज़ू मतलब मैन एंड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोविड 19, आपको पता है कोविड 19 जो है बैट्स के थ्रू कहा जाता है कि ह्यूमन में भी आया। This is a very famous example of zoonotic disease. अब zoon, आप इस figure में भी देख सकते हैं कि live animal markets की वजह से zoonotic diseases फैल रही हैं, intensive wildlife farming की वजह से, ठीक है, wildlife hunting की वजह से और domestication of animals की वजह से भी ये disease फैल रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ figure में देख सकते हैं चारों तरफ animals हैं और बीच में जो man लेटा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब not only animals but man is also given this disease through animals, जैसा COVID-19 में हुआ है। बहुत ही खतरनाक disease होती है क्योंकि ये transmittable होती है। Zoonoses may be bacterial, viral, parasitic or may involve unconventional agents. Bacterial भी हो सकता है, viral भी हो सकता है, parasitic भी हो सकता है, या किसी और mechanism के through भी दोस्तों ये transmit हो सकता है। अब कैसे transmit होता है? कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर सप्लाई, अगर फूड या वाटर कंटेमिनेट है और आपने उसको खा लिया या पी लिया तो आपको वो वायरस या बैक्टीरिया पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। सेकेंड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाइल पेटिंग और टचिंग एनिमल्स, ठीक है, टच कर रहे हैं या आप पाल रहे हैं एनिमल्स को तो भी आपको होने के चांसेस है। इनडायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद एरियाज वेयर एनिमल्स लिव एंड रोम, आप डायरेक्टली किसी एनिमल को टच नहीं कर रहे लेकिन वो एनिमल्स जहां पर हैं आप वहां पर अगर रोम करते हैं या वहां जाते हैं तो आपको होने के चांसेस हैं। चौथा जो है वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न का मतलब होता है थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है, बीइंग बिटन बाय टिक और एन इंसेक्ट लाइक अ मॉस्किटो, ठीक है, मतलब मॉस्किटोज के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू एनिमल्स और ह्यूमंस में ट्रैवल करता है।
ओके दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जूनोटिक डिजीज का एग्जाम्पल है COVID-19, जो कि चाइना में वुहान डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार पाया गया। दूसरा है SARS-CoV, जिसको हम सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं दोस्तों। इट इमर्ज्ड इन 2002 and 2003 इन सदर्न चाइना। ये भी चाइना में ही हुआ था। ज्यादातर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें चाइना में ही हो रही। देन अदर एग्जाम्पल्स आर सऊदी अरेबिया में 2012 में मर्स आया था। मर्स कोव इसको बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस मर्स कोव। सऊदी अरेबिया में 2012 में मर्स कोव एक वायरस था, उसके थ्रू मर्स कोव डिजीज फैली। निपाह, ये एक जूनोटिक डिजीज है दोस्तों, आउटब्रेक ऑफ निपाह इन केरला। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें मैच दी फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है कि निपाह केरला का है, मर्स कोव जो है सऊदी अरेबिया का है, ठीक है, सार्स कोव जो है चाइना का है, कोविड 19 चाइना। अब कुछ मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ने टाइमली लिए थे टू कंट्रोल दी जूनोटिक डिजीज़। कौन कौन से? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यहां बनाया गया था दोस्तों। और कुछ प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए। ओके, दो और एग्जांपल्स हैं जो जूनोटिक डिजीज के हैं, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस। ये दोनों जो हैं आपके, ये एनिमल्स की बीमारियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों इसमें, कि ब्रुसेलोसिस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज इज द डिजीज ऑफ ह्यूमंस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, आप लोगों ने, सभी लोगों ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों सुना जरूर होगा, क्योंकि ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में था। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहले ये देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नए एक पार्लियामेंट का निर्माण कर रही है, नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इसमें जो है निर्माण किया जा रहा है। लागत इसकी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं आ रही, जब रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जब लोगों को वैक्सीन के लिए पे करना पड़ रहा है, उस समय गवर्नमेंट जो है 1200 करोड़ एक पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए खर्च कर रही है, ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी में था। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, व्हाट इज सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन, बिल्डिंग ऑफ न्यू यूएसए सेक्रेटरी, गलत है। बिल्डिंग ऑफ न्यू यूएसए एम्बेसी इन यूएसए, गलत है। बिल्डिंग ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया, यस दिस इज करेक्ट। बिल्डिंग ऑफ न्यू प्रेसिडेंट हाउस, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के का प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स न्यूज़पेपर में आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में था। ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टेडी इन अप्रैल डिस्पाइट लल इन डोमेस्टिक ऑर्डर्स, मतलब अप्रैल में कंडीशन काफी अच्छी रही, ठीक है, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंडीशन काफी बढ़िया रही। आप देख सकते हैं आप फिगर में कि 55.5, ठीक है, मार्जिनली रोज टू 55.5, इसका मतलब अप्रैल में ये इंडेक्स जो है बेटर हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स है क्या चीज, लेकिन आपको रिमेंबर होना चाहिए कि ये अप्रैल में इंडेक्स बढ़ा है। ओके, लेट्स सी दोस्तों, व्हाट इज पीएमआई? निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये सबसे फेमस पीएमआई है, ठीक है, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस। मतलब हम ये जो पीएमआई कैलकुलेट करते हैं, ये पहली बात आपको याद रखना है कि मंथली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस, ठीक है। 5 पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं, न्यू ऑर्डर्स जिसका 30% वेटेज है कि कितने नए ऑर्डर्स मार्केट में आए, आउटपुट 25%,
एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट किया 20% उसका वेटेज है, सप्लायर की डिलीवरी का वेटेज 15% है, स्टॉक ऑफ परचेजेस का 10% है। मतलब पीएमआई में हम 5 पैरामीटर्स लेते हैं, ऑर्डर्स जिसका वेटेज 30% है, आउटपुट जिसका वेटेज 25% है, एम्प्लॉयमेंट जिसका वेटेज 20% है, सप्लायर्स डिलीवरी जिसका वेटेज 15% है, स्टॉक ऑफ परचेजेस का 10% है। ठीक है, और ये क्या करता है 500 जो है कंपनीज पे का डेटा लेता है, इन 500 कंपनीज का 5 पैरामीटर्स पे डेटा लेता है। अब इसको डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, द रिस्पोंडेंट्स कैन गिव आइदर अ पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव रिस्पांस। 3 रिस्पांस अलाउड है पीएमआई के अंडर में जब भी हम सर्वे करते हैं किसी कंपनी में। 1 हम पॉजिटिव बोलते हैं, 0.5 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, 0 को हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, पीएमआई का पर्पस क्या है, ये एक मार्केट सेंटिमेंट जानने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है और कैसे डिमांड और सप्लाई मूव करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, आपको याद रखना है दिस इज नॉट एक्चुअल कैलकुलेशन, बट इट जस्ट इंडिकेट्स, कुछ ही इंडिकेशन सिर्फ दे रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो चीज होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP इसको बोलते हैं, ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, PMI के बाहर होता है और कई बार ना इसको PMI से कंपैरिजन करो तो एग्जाम में आपके UPSC में PMI वर्सेस IIP आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो IIP क्या करता है, इट मेजर्स एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। फर्क आप देखिए कि IIP जो है एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट मेजर करता है, जबकि PMI जो है आपका सिर्फ इंडिकेट करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरफ है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है IIP और PMI के बीच में, कि PMI जो है जैसे मार्च है 2021 और अप्रैल है 2021, तो ये जो अप्रैल का डेटा है ये मार्च से कंपेयर करता है, अप्रैल का डेटा मार्च से कंपेयर करेगा, जबकि IIP जो है आपका अप्रैल 2021 का डेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं, शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, IIP का जो है अप्रैल 2021 का डेटा ये अप्रैल 2020 से कंपेयर। ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके दोस्तों, ये दो डिफरेंसेस हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है कि PMI में 500 की अप्रोक्सीमेटली कंपनीज होती हैं जिसका सर्वे किया जा सकता है और इसमें SMEs को इंक्लूड नहीं किया जाता है, PMI में SMEs को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि IIP में इनको इंक्लूड किया जाता है। IIP इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, PMI इज अ प्राइवेट सेक्टर सर्वे व्हाइल IIP इज गेज्ड बाय गवर्नमेंट। PMI को प्राइवेट सेक्टर सर्वे कर रहा है जबकि IIP को गवर्नमेंट कर रहा है, स्टेटमेंट इज Absolutely true. ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, as with the IIP, the PMI suffers from the lacuna of not measuring informal sector activity. मतलब क्या है कि IIP जैसे आपका है, इसमें ऑप्शन आपका A हो, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन क्या, ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि PMI IIP की तरह ही इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को मेजर नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं होता, PMI नहीं मेजर करता, IIP उसको मेजर करता है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। IIP मेजर करता है इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी दोस्तों, जबकि PMI नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक स्पीशी इंपॉर्टेंट है जो कि वेस्टर्न घाट्स में अभी अभी मिली है, Xylophis दीपकी। ये कैसी स्पीशी है, एक वुड स्नेक है दोस्तों, आप फिगर में देख सकते हैं यहां पर, दिस इज अ स्नेक एंड वुड स्नेक। इसका लेंथ कितना होता है 20 सेंटीमीटर, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, इट हैज गॉट इरिडिसेंट स्केल्स। ठीक है, सबसे पहली बार ये कन्याकुमारी में फाउंड किया गया था, कोकोनट प्लांटेशन।
है. इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, थर्ड है रिपोर्टेड टू बी एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ तमिलनाडु. इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि दोस्तों ये एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक एरिया में कन्फाइंड होती है, इनके बाहर ये नहीं पाई जाती. अगर मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गई किसी वजह से, क्या होगा कि स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये एक एरिया में पाई जाती है. तो रिपोर्टेड टू बी एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स के फ्यू लोकेशंस पे इसको पाया जाता है. ठीक है, अब स्पीशीज का जो नाम है वो किसी पर्सन के जो उसको डिस्कवर करता है उसके नाम पे रखा जाता है दोस्तों. तो इसका हार्पिटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन के नाम पे रखा गया इसका नाम. ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो वुड स्नेक्स के बारे में आपको जानने चाहिए. वुड स्नेक्स आर हार्मलेस, सब fossorial and often found while digging soil in farms and under the logs in the western ghat forest. मतलब इनको कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये harmless होते हैं और ये सब fossorial होते हैं, farms के नीचे जब आप soil को dig करते हैं वहां पर, या western ghats में जो पेड़ होते हैं पुराने उनके अंदर ये पाए जाते हैं. ठीक है, they feed on earthworms and other invertebrates. ये earthworms और other invertebrates पे feed करते हैं. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्री के क्वेश्चन तो इस पे बिल्कुल बन ही सकता है, मैंने बनाया भी हुआ है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, इट इज असम बेस्ड स्ट्रिंग पपेट ट्री. आपको याद रखना है कि इट इज असम बेस्ड एंड इज स्ट्रिंग पपेट ट्री. ठीक है, इट इज परफॉर्म इन थ्री एरियाज. असम में भी तीन एरियाज में परफॉर्म होता है. कौन कौन से, बारपेटा नलबारी इन वेस्टर्न असम, कलाई गांव इन नॉर्दर्न असम एंड मजूली आइलैंड इन ईस्टर्न असम. तो इन तीन एरियाज में ये जो है बहुत प्रोमिनेंट है. और इसमें दिखाते क्या है, इसके थीम क्या होता है, कभी भी जब भी हम कोई डांस या हम कोई पपेट्री लेते हैं तो उसके पीछे थीम होता है. तो इसके पीछे कौन सा थीम है दोस्तों, रामायण और महाभारत दोनों ही इसमें परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, the puppeteers are happy to add dialogues or chants taken from bhavna, the local tradition theater. वहाँ एक असम में एक भावना, एक local tradition theater होता है, जिसमें कुछ dialogues होते हैं, जो dialogues हम यहाँ पर as it is copy कर लेते हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये एक important चीज है कि भावना जो है एक असम का traditional theater. इसके proponents कौन होते हैं, जब भी हम कोई dance की बात करते हैं या कोई इस तरह के कोई म्यूजिक की बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको कौन, उसमें फेमस पर्सनालिटीज कौन सी. तो विनीता देवी एंड सिमंता शर्मा आर मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस फॉर्म. आपको याद रखना है विनीता देवी एंड सिमंता शर्मा. एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इस पे, इस पुटोलो नाच पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर, ये सारे जो है आपके स्ट्रिंग पपेट्री है, ये जितने भी चारों ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, चारों ऑप्शन दोस्तों स्ट्रिंग पपेट्री. पहला है कठपुतली जो कि राजस्थान का है. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. कठपुतली आप सभी ने देखा होगा, बचपन में देखा होगा, इट इज ऑफ राजस्थान. दूसरा है यक्षगान गोम्बेटा. अब नाम से तो ऐसा लग रहा है साउथ इंडियन है. ठीक है, ऑप्शन दिया तमिलनाडु, लेकिन ये एक्चुअल में कर्नाटका में पपेट्री शो है. ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है हमारा कालासूत्री बाहुल्य, ये महाराष्ट्र का है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है. कालासूत्री बाहुल्य महाराष्ट्र का, याद होना चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन है नूल पावा कुट्टू, ये केरला, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. कठपुतली राजस्थान का, यक्षगान आपका कर्नाटका का, कालासूत्री बाहुल्य महाराष्ट्र का, नूल पावा कुट्टू केरला. ठीक है, तो ऑप्शन ए सी एंड डी इज करेक्ट. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये थी कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है कॉजिंग अ शिफ्ट इन अर्थ एक्सिस. आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज से एसिडिटी बढ़ रही है ओशियंस की. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बहुत सारी चीजें.
लेकिन सबसे पहली बार ये आया है कि इट इज कॉजिंग अ शिफ्ट इन द अर्थ एक्सिस। एक एग्जांपल मैंने ले रखा है कि थोड़ा सा आप जो है आप इसको मानिए कि ये टिल्ट है, ठीक है, दिस इज 23.5 डिग्री टिल्ट, ठीक है। मैं आपको इस फिगर में ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पहले ये नॉर्थ पोल जो है यहां से गुजर रहा था, ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल यहां से गुजर रहा है, यहां से साउथ पोल अगर हम लें तो ये यहां से ऐसे गुजर रहा है। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कहां पर ये कट कर रहा है उस टाइम, ठीक है। थोड़ा सा फिगर जो है आप ये इमेजिन करिए कि थोड़ा सा टिल्टेड है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों टिल्टेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है आपका ये भी शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, आवर प्लैनेट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज बीन मूविंग मोर देन यूजुअल सिंस 1990s। मतलब क्या है कि शुरू से ही शिफ्ट तो हो रहा है, जैसे आपको पता है टेक्टोनिक शिफ्ट होता है वैसे ही ये अर्थ एक्सिस का भी शिफ्ट होता है, लेकिन 1990 से कुछ ज्यादा ही होने लगे, ठीक है। कैसे हो रहा है, फ्रॉम 1995 टू 2020 द एवरेज शिफ्ट ऑफ ड्रिफ्ट वाज 17 टाइम्स फास्टर फ्रॉम 1981 टू 1995। मतलब 1995 से 2020 के बीच में सरप्राइजिंगली द ड्रिफ्ट स्पीड हैज इंक्रीज 17 टाइम्स ऑफ व्हाट वाज देयर इन 1981 टू 1995, ठीक है। और अगर हम लास्ट फोर डिकेड्स की बात करें तो पोल्स जो है आपके 4 मीटर्स जो है मूव कर गए, पोल्स जो है आपका 4 मीटर्स मूव कर गए, ओके। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इट कैन चेंज द लेंथ ऑफ द डे बाय अ फ्यू मिलीसेकंड्स। बहुत कोई खराब इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ मिलीसेकंड से लेंथ ऑफ द डे विल चेंज। रीजंस क्यों ये होता है, एज द एक्सिस मूव्स, ओके, एज द एक्सिस मूव्स ड्यू टू चेंजेस इन हाउ द अर्थ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द प्लैनेट। मतलब अर्थ का जो है मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसका जो ग्लोब है उसके अराउंड उसका मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी मास जो है चेंज होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होता है, क्या होता है, इस तरह की चीजें होती है कि अर्थ का एक्सिस मूव कर जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोलर मोशन भी, ठीक है। कैसे होता है ये, ड्यू टू फास्टर आइस मेल्टिंग नॉन ग्लेशियर रीजंस। जब भी आपका आइस मेल्टिंग होगी तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विल चेंज बिकॉज वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्टिंग होती है और उसकी वजह से अर्थ एक्सिस शिफ्ट होता है। दूसरे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से भी ये होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से कैसे होता है, लाइक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जब भी आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा जो पानी है वो वहां से कम हो जाता है, अर्थ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, इसकी वजह से अर्थ एक्सिस में शिफ्ट आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज लैग बी ओमेर, दिस इज अ फेस्टिवल, अगेन फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम मेंस पेपर 1 एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। This Lag B'Omer belongs to which of the following country? Israel, USA, Pakistan, India? So answer is the Israel because it is an annual Jewish festival. सबको पता होगा दोस्तों इसराइल में का जो religion है वो है Jewish, ठीक है। It is celebrated in the Hebrew month of year, ठीक है। इनका जो calendar होता है उसके हिसाब से Hebrew month होता है, ठीक है, on 13th day of। इनका एक कैलेंडर अलग होता है उसके हिसाब से 13 डे ऑफ ओमेर, ओमेर उनके यहाँ एक इंसिडेंट है उसके 13th डे के बाद ये लैग बी ओमर फेस्टिवल मनाया जाता है। द यंग बॉयज हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 3 आर ब्रॉट हियर फॉर देयर फर्स्ट बर्थडे। जैसे हमारे यहाँ मुंडन की प्रथा है वैसे ही वहां पर भी यंग बॉयज का पहले हेयर कट करते हैं, 3 साल का जो बच्चा होता है उसको ला करके उसका हेयर कट करते हैं, ठीक है। द
लैग बी ओमर सेलिब्रेशंस आर एसोसिएटेड विद बॉनफायर्स। ठीक है, आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इसमें हम बॉनफायर जलाकर सेलिब्रेट करते हैं। लैग बी ओमर कमेमोरेट्स टू हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ द ज्यूइश हिस्ट्री। ज्यूइश हिस्ट्री है, काफी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें से दो इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं लैग बी ओमर के थ्रू। कौन कौन सी? दे आर डेथ ऑफ रबी शिमोन बार यूचाई। ये इनके एक बहुत अच्छे प्रीचर थे, बहुत फेमस थे। एंड ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ 24,000 स्टूडेंट ऑफ अकीवा बेन योसेफ। अकीवा बेन योसेफ जो थे वहां प्रीचर थे, ये भी प्रीचर थे, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं सेंट थे। इनके 24,000 स्टूडेंट्स एक साथ मर गए थे, इसलिए भी ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है उनकी याद में। ओके, थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप जरूर। थैंक यू सो मच।